हाँ बच्चों, आज हम सरल अर्गवर्त गति में यहाँ पर सरल आवर्त गति में हम यहाँ पर सिंपल पेंडुलम और आवर्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको तो बताया था त्वरण एफ समानुपाती माइनस वाई वाई इज विस्थापन। ठीक, और इसको हमने सॉल्व किया था तो f बराबर कितना आ रहा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा को आप हटा दीजिए तो f बराबर कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट f अपॉन वाई। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसका आवर्त काल टी मान के उतर चलूं तो मेरे पास ओमेगा कितना आया, अंडर रूट एफ अपॉन वाई। ओमेगा इक्वल टू कितना है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू अंडर रूट एफ अपॉन वाई। इसलिए टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन एफ के इक्वल आ गया। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, टी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई। क्या हो गया हमारे पास, विस्थापन। एफ क्या हो गया हमारे पास, त्वरण। तो आवर्त काल टी 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण के मान के बराबर आता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक आवर्त एक सरल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरल लोलक, का आवर्त काल यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। इस सरल लोलक का आवर्त काल कैलकुलेट करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ। सपोज करिए ये पेंडुलम है सरल लोलक, यहाँ से कनेक्टेड है। इसको मैंने बहुत छोटे कोणीय विस्थापन से डिस्प्लेस कर दिया, ये एंगल थीटा, और ये यहाँ पर सरल आलो सरल गति कर रहा है। ठीक, अगर इसमें मैं इसका वेट देखूं तो वेट एम जी नीचे चला गया। अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा, थीटा। ये टी चला गया, ये कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा, और ये कैसा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर अपन क्या करें, एक पेंडुलम को लेकर चलते हैं तो पेंडुलम ऐसा सरल रेखा में गति करता है, ये इसकी प्रभावकारी लंबाई एल कहलाती है जो इसके केंद्र से कैलकुलेट होती है, और ये विस्थापन वाई के मान के बराबर होता है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ चित्रानुसार, चित्रानुसार किसी पेंडुलम को, पेंडुलम को सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म कोण थीटा से विस्थापित किया जाता है, किया जाता है तो यह सरल आवर्त गति करता है। तो मैंने ये कोण थीटा को बहुत छोटा लिया है, इसको अपनी माध्य स्थिति से जैसे विस्थापित किया तो यह सरल आवर्त गति करने लगा। तो मेरे पास क्या जाता है चित्रानुसार, चित्रानुसार एम जी का घटक एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा तनाव टी को बैलेंस करता है, बैलेंस करता है, जबकि एम जी साइन थीटा आवश्यक री स्टोरिंग फोर्स प्रदान करता है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जो पेंडुलम को अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित करने के बाद इसको वापस लेके आता है, वो कितने के इक्वल हो गया, एम जी साइन थीटा। तो देखिए हमारे पास, ठीक है, बल एफ, ठीक, या ऐसा कर लीजिए यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स, री स्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक, थीटा यहाँ पर बहुत छोटा कोण है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, चूंकि थीटा अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा, और थीटा कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए मेरे पास क्या कंडीशन हो गई, यहाँ पर चाप कितने के बराबर हो गई, वाई, और त्रिज्या कितने के बराबर हो गई, एल के मान के बराबर। तो मैं डायग्राम में यहाँ पर क्या करता हूँ, वाई अपॉन एल कर देता हूँ, एवं बल एफ को मैं अब कितना लिख सकता हूँ, माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक, बल बराबर मात्रा गुणित त्वरण, ये कितने के बराबर हो गया हमारे पास, त्वरण इक्वल टू माइनस के बराबर हो गया
विस्थापन के मान के बराबर, ये दोनों क्वांटिटी कैसी हो गई यहाँ पर, अचर हो गई, ठीक है। इसलिए F, F को हम क्या बोल देते हैं, त्वरण समानुपाती माइनस y, y हमारे पास कैसा हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, पेंडुलम सरल आवर्त गति करता है। यह सरल आवर्त गति की हमने आपको परिभाषा कराई थी, त्वरण f बराबर माइनस y। अब आपके पास क्या हो गया, आवर्त काल t इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 2π अंडर रूट, ये कैसा हो गया, विस्थापन बटे त्वरण। विस्थापन कितना आता है, y अपॉन l। और अब भी हमने यहाँ पर क्या निकाला, देखिए f बराबर माइनस जी अपॉन एल इंटू वाई, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f बराबर माइनस जी अपॉन एल इंटू वाई, माइनस साइन को हटा दूं तो y अपॉन, इसको इसके नीचे लेके आइए, y अपॉन एल बराबर है ना, त्वरण, त्वरण को हमने यहाँ पर f से शो किया है, ठीक है, y अपॉन l, या इसको मैं ऐसा लिख दूं, ये y अपॉन f, इसको इसके नीचे इसको यहाँ कर दूं तो l अपॉन g। तो आपके पास सिंपल पेंडुलम का आवर्त काल t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l अपॉन g के मान के बराबर आता है, ठीक है। तो ये सरल या सिंपल पेंडुलम का आवर्त काल t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l अपॉन g की वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म।